सर सीबीआई अपने अपना मैनिफेस्टो जारी किया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अगर मेरी सरकार आई तो देश से परमाणु हथियार नष्ट कर देंगे उसको डरिया में। देखिए ये मानसिकता झलक गया, ये जो लाल झंडे मुरकट्टे पार्टियों की है इसका मैनिफेस्टो से स्पष्ट हो गया कि देश को कमजोर करना। लोग कहते हैं कि देश को मजबूत करेंगे, ये लोग कहते हैं दरिया में डुबा देंगे परमाणु बम। अरे परमाणु बम है तब तो दुनिया में सबसे ताकतवर देश कहलाते हैं, कोई आंख नहीं दिखा सकता है। इसलिए स्पष्ट है कि ये लोग पहले मूड़ी काटते थे लोगों का, पूरे बिहार में आतंक का राज स्थापित किया था, गुंडों का राज स्थापित था, और कुछ लोगों का राज, कुछ लोगों का ही राज इन पार्टियों में है। किनके इशारे पे ये मैनिफेस्टो बनाया गया है? कुछ एकदम ये सब चाइना से मिले हुए हैं और चाइना से मिलकर इस भारत को कमजोर करने का प्रयास कर रहे हैं। जो सम्राट जी, एक मीसा भारती का बयान आया है कि मोदी जी बार बार उन्हीं के परिवार पे परिवारवाद का सवाल क्यों उठाते हैं, और लोग तो हैं जो परिवारवाद। देखिए हम लोगों का स्पष्ट मानना है कि जो राजा का बेटा बेटी होगा उस पे प्रश्न उठाएंगे, जिसके माँ और बाप दोनों बिहार के मुख्यमंत्री रहे हों उन्हीं के बच्चे कैसे आ गए। परिवार का मतलब ये नहीं है कि किन्हीं के पिताजी एमएलए एमपी रहे हैं और उनके बाल बच्चे बढ़ रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, क्योंकि वो काम कर रहे होंगे, काम करने वाले को न्याय मिलना चाहिए। लेकिन कोई सीधे सिंगापुर से आकर उम्मीदवार बन जाए ये गरीब जनता को ठगने का काम है। जी एक प्रश्न, सी वोटर के सर्वे के अनुसार एनडीए को 6 सीट की नुकसान दिख रही है। कहीं कोई नुकसान नहीं है, सी वोटर के का जो सर्वे है उसका सम्मान करता हूं। अभी तो शुरुआत है, अभी तो वोटिंग होना बाकी है, ये सर्वे है 40 की 40 सीट, और इस बार भी ललटेनिया का खाता नहीं खुलेगा।